सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट की टीजर से एक बार फिर सबको चौंका दिया है, लेकिन ट्यूबलाइट के टीजर के साथ ही लोगों को एक और सवाल टीज कर रहा है। क्या ट्यूबलाइट के साथ सलमान भी कमाएंगे 1000 करोड़ रुपए? क्या सलमान अपनी फिल्म ट्यूबलाइट से बताएंगे कि वही है बॉलीवुड के बाहुबली? सलमान खान की ट्यूबलाइट बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। बजरंगी भाईजान के बाद सलमान खान ट्यूबलाइट में एक बार फिर वैसे ही भोले और मासूम दिख रहे हैं। फिल्म ईद पर रिलीज होने को तैयार है। ईद इंडियन बॉक्स ऑफिस के हिसाब से एक बड़ा सुनहरा मौका है और सलमान की फिल्म जब ईद पर रिलीज होती है तो वो हाहाकार मचा देती है, लेकिन इस बार सलमान का टारगेट बड़ा है। बाहुबली की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ने जिस तरह कलेक्शन का बार रेस कर दिया है, ये सलमान के लिए भी एक बड़े चैलेंज की तरह होगा। बाहुबली 2 ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली है। ऐसे में ट्यूबलाइट को भी अपने डेब्यू के साथ धमाका करना ही होगा। सलमान की अब तक की सबसे सुपरहिट फिल्म सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर 584 करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन किया है, लेकिन बाहुबली 2 ने तो पहले ही हफ्ते में 700 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। साफ है कि बाहुबली 2 को बीट करने के लिए सलमान की ट्यूबलाइट को पहले दिन 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी। सलमान के सामने चैलेंज काफी बड़ा है, लेकिन दबंग भाईजान ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर अपने आप को हर बार सुल्तान साबित कर ही दिया है। अब ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ट्यूबलाइट और बाहुबली की रेस बॉक्स ऑफिस पर कैसी रहती है। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।